शुक्र बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां विराट अपहरण कांड के मुख्य आरोपी की रिमांड खत्म हो गई है। राजकिशोर सिंह की रिमांड खत्म हो गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रिमांड पर लिया था। वारदात में प्रयुक्त कार जब्त, आज न्यायालय में इनकी पेशी होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, यहां पर विराट अपहरण कांड के मुख्य आरोपी को आज रिमांड खत्म हो गया है। मुख्य आरोपी का, आरोपी राजकिशोर सिंह का रिमांड आज खत्म हो गया है। वारदात में कार जो प्रेस की कार थी वो जब्त की गई है। अपहरण मामले में विराट की मां की भी यहां भूमिका थी। तो आरोपी राजकिशोर सिंह का आज रिमांड खत्म हो गया है। वारदात में जो कार प्रयुक्त की गई थी वो भी जब्त की गई है। बड़ी मां नीता की गिरफ्तारी हुई है। सीधे रुख करेंगे बिलासपुर से संवाददाता शैलेंद्र पाठक का। शैलेंद्र, मुख्य आरोपी का आज रिमांड खत्म हो गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज ये जो विराट अपहरण कांड था उसका मुख्य आरोपी है राजकिशोर सिंह, जिसको बिलासपुर पुलिस ने बिहार के वीरगंज से गिरफ्तार किया था। उसको गिरफ्तारी के बाद से रिमांड पर पुलिस ने रखा था। उसकी तमाम जो जानकारी है, जो पूछताछ है, जो सबूत है, जो विराट है उससे पहचान कराने के लिए उसको रखा था। और जो उसकी कार है जिसमें डस्टर कार जिसको जब्त की गई है, जिससे विराट का अपहरण हुआ था, उससे विराट की बच्चे की पहचान कराई गई है। आज पुलिस की रिमांड अवधि जो है वो समाप्त हो रही है और पुलिस की कोशिश में है कि इसकी रिमांड अवधि जो है बढ़ाई जाए, ताकि इससे जो और भी जो सबूत हैं, जो जो घटना में प्रयुक्त हुए, जो जिस तरीके से जो लोग हैं उनसे बातचीत और उसकी जो सबूत है, जो जो वाहन और तमाम चीज का उपयोग किया गया, जिस भर का उपयोग किया गया, तो उसको लेकर के पुलिस चाह रही थी एक बार और रिमांड में हो, लेकिन आज इसको पेश न्यायालय में करना होगा। इसी से पुलिस के रिमांड में आरोपी मुख्य आरोपी राजकिशोर था और पुलिस अब इसके बाद इसको आज न्यायालय में पेश करने जा रही है। शैलेंद्र, विराट के पूरे अपहरण मामले में विराट की जो बड़ी माँ है उसको भी आरोपी बनाया गया है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसकी क्या भूमिका रही? विराट की जो बड़ी माँ है नीता शराब जो है वो उस पूरे घटनाक्रम की प्रमुख जो परगना है, जो अंदरूनी तौर पर जिसने आरोपियों को ये बताया कि इस बच्चे का अपहरण करने से के माता पिता से के पास जो पैसा है वो वसूल हो सकता है। तो पूरे जो अनुड़ी जानकारी है, एक कहें तो सरगना जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई है वो विराट की बड़ी मां नीता शराब ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम सबूत इससे भी पहले तो नीता शराब जो है ये अपराध से इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि वो इस अपराध में संलिप्त है और अनिल सिंह के साथ उसके अवैध संबंधों के चलते ये घटना को उसने अंजाम दिया और पैसों के कारण इस घटना को अंजाम दिया। 6 करोड़ की फिरौती की मांग की थी और ये सब अनुड़ी जानकारी जो है वो अपहरणकर्ताओं को नीता ने बताई थी और अपहरणकर्ताओं के साथ मिलकर के नीता ने इस 6 करोड़ की फिरौती की रकम की डिमांड की थी और जो विराट का अपहरण किया था। यही वजह है कि पुलिस इस मामले में जो अभी तक के पुलिस को सफलता मिली है कि जो सभी आरोपी इस मामले में नीता शराफ, अनिल सिंह, राजकिशोर सिंह और 2 और आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब ये अनिल सिंह पास जो सबूत है और लोगों से और जो जो घटना के दौरान इन लोगों ने जो तमाम चीजें जो सिम कार्ड, मोबाइल और तमाम गाड़ी और ये चीजें जो इस्तेमाल की इसको और जो जो गवाह है उनसे पुख्ता बनाने के लिए पुलिस ने उसको रिमांड में लेने की कोशिश कर रही। 3 दिन पहले पुलिस ने इसको रिमांड में लिया था गिरफ्तारी के बाद से, फिर पूछते जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी राजकिशोर की। तो इस मामले में सभी आरोपी, हालांकि जो बाकी 4-5 आरोपी हैं वो जेल में है, एक अंतिम जो आरोपी था जो फरार था लंबे समय से पुलिस के गिरफ्त में आया है राजकिशोर सिंह, इसकी आज रिमांड पूरी हो चुकी है और ये न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि पुलिस कोशिश ये करे कि इसको 1 दिन की रिमांड और लेकर इससे पूछताछ की जा सके। शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए नेताओं ने